लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कंप्यूटर, आज हर कोई कंप्यूटर और इंटरनेट से परिचित है, लेकिन कुछ साल पहले मुंबई से दूर के गांव में कंप्यूटर एक दुर्लभ दृश्य था। ये इन गांवों के कुछ ऐसे ही लोगों की कहानी है। ये बता, कौन सी आंख फड़कने से बुरा होता है? बाई आंख। पिछले टाइम तो दाई फड़की थी। तो मेरे ख्याल से बाई ही होगी। अरे नहीं, इंग्लिश एग्जाम के टाइम दाई फड़की थी, पक्का दाई है। वो छोड़, ये बता अब तेरी कौन सी आंख फड़क रही है? सुन, मैं पास तो हो जाऊंगा ना यार। ये तुझे एग्जाम से पहले सोचना चाहिए था। चल देखते हैं क्या होता है। अपना बताओ। 1041। हाँ, चलो कोड बताओ। 20054। हाँ, 224। और तुम्हारा? 2005। हॉल टिकट दिखाओ। 1834। 1834। 2005। 1246। हाँ। राजू, ये राजू, अरे क्या हुआ बता ना। 1031, आ जाओ। रवि तुम हो?
क्या हुआ? मैं पास हो गया। नई शर्ट चाहिए क्या? नहीं। तो कुछ और चाहिए क्या? क्या हुआ बोल, क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। वो क्या है? आपको टीवी पता है ना, वैसे ही कुछ होता है। टीवी तो है ना, दूसरा क्यों? ये अलग है बाबूजी, मुझे कंप्यूटर चाहिए। कितने का है? 20,000 रुपए। क्या सच में? देख मुझे परेशान मत कर, अगर कपड़े चाहिए तो ले ले। मैंने कहा ना बाबूजी, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए और कुछ नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं कोई जमींदार हूँ। मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? तेरी बहन की शादी के लिए 2 एकड़ जमीन गिरवी रखी है और उस कमीने जमींदार ने सारी जमीन हड़प ली है। मैं वो जमीन पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तुझे टीवी चाहिए? अरे रवि, तुम्हें कौन सा क्लास मिला? हाँ, आपने मल्ली की बेटी गिरिजा डिस्टिंक्शन में पास हुई है, अभी रास्ते में मिली थी। थर्ड क्लास मिला। टीवी सीवी बाद में देखना, पहले अच्छी पढ़ाई करो, समझ गए? हाँ पता है, टीवी चाहिए। हमेशा का नाटक है ये। ए गिरिजा, इधर आओ। पता है मुझे फर्स्ट क्लास मिला है। तुम्हें फर्स्ट क्लास मिला तो क्या हुआ? ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? सारे गांव को बताने की क्या जरूरत थी? पर हुआ क्या? तुम्हें तो मुंह मत खुलवाओ मेरा, नौटंकी। हाँ, ये बड़ी फर्स्ट क्लास वाली। नाम? कुमार यादव। किसमें एडमिशन चाहिए? बीए। नेक्स्ट? किसमें एडमिशन करना है? बीएससी। नाम? रवि कुमार। किसमें एडमिशन चाहिए? बीकॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर तो यहाँ नहीं है, शहर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट? हे, तुझे कंप्यूटर ही क्यों सीखना है? यहाँ कोई जानता नहीं कि कंप्यूटर क्या है, ग्रेजुएशन ही मुश्किल से होता है यार, जाने दे, छोड़ना। बीए हो या बीकॉम हो, साल आराम से निकल जाएगा यार। और वैसे भी तू यार हमें छोड़कर क्यों जाना चाहता है? अगर लास्ट बस चली गई ना तो तुझे घर पे ही बैठना पड़ेगा, समझा? देख तू मेरी बात का बुरा मत मानना यार, तो थर्ड क्लास से पास हुआ है, वो भी मुश्किल से। अगर तू बीकॉम कंप्यूटर से किया तो पास नहीं हो पाएगा, सोच ले। नेक्स्ट? बीकॉम। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आनंद रमन है, मैं आपको अकाउंट सिखाऊंगा। अब मैंने अपना परिचय दे दिया, चलिए अब आप लोग अपना परिचय दीजिए, आपका नाम, आप क्या बनना चाहते हैं, ये सब कुछ बताइए। चलिए आप शुरू कीजिए। मैं सुप्रिया हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ। मैं यमुना हूँ, लेक्चरर बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट? मैं कामिनी, टीचर बनना चाहती हूँ। तुम बताओ। मेरा नाम सरिता है, मैं सीए बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रोजा प्रिया है, मैं एथलीट बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट? मेरा नाम अंकिता है, मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट? मेरा नाम विक्रम है, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट? मेरा नाम प्रेम साई कुमार है, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट? मेरा नाम राजू है, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट? रवि, सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
मेरा नाम वेंकटेश है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है। नेक्स्ट। मैं मधुसूदन हूँ सर, मुझे लॉयर बनना है। नेक्स्ट। जरा पीछे तो देख। तेरे लिए आ रहा है। चल कुछ भी, कसम से क्लास में भी तुझे ही घूर रहा था। मैं कह रही हूँ ना, वो पक्का तेरे लिए ही आ रहा है, मैं सब जानती हूँ। राजू, एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा था। और अब आगे? बीकॉम कर रहा हूं। राजू, ए राजू, हाँ बहरा हो गया है क्या? जल्दी बाहर आ, अंदर क्या कर रहा है? आजकल दिन भर टीवी से चिपका है, दिन नदी नाल से बनता जा रहा है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, भगवान जाने क्या होगा। आप जरा चुप बैठिए, कोई आया दिखता नहीं आपको? कहीं जाने से पहले इसमें पानी भर के लेके आ। हर बार मैं ही क्यों जाऊं? आप नहीं जा सकते? तेरे जैसा मैं दिन भर खाली नहीं बैठा रहता हूँ, समझा? हाँ, वापस आते समय बीड़ी लेकर आना मेरे लिए। सिर्फ बीड़ी ही क्यों, चिता के लिए लकड़ियां भी लाता हूँ, वैसे भी उम्र हो गई है। बीड़ी चाहिए। चलता हूँ दादाजी। खुश रहो बेटा। ये बता, तू उस बूढ़े के सामने इतना नाटक क्यों कर रहा था बे? अरे बूढ़ा है यार, जाने दे। बूढ़ा है मतलब क्या बूढ़ा है? हा? तीन बार मरने का नाटक किया है बुड्ढे ने, और तुझे उस पर दया आ रही है? यार तुझे हो क्या गया है? वो सब छोड़, हम दोनों एग्जाम के बाद ही मिलते हैं। अरे यार, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन उसका इंतजार करूंगा। मुझे बता, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली क्या? ऐसा क्या दिखा तुझे उसमें? बुरा क्या है उसमें? जैसे कि तुम बड़े हैंडसम हो। रोजा, चल उसकी बराबरी करेगा मेरे से। अबे जा ना। ए राजू, मुझे जरा 5 रुपए की इमली देना। मैं ऐसे चिल्लर में नहीं भेजता हूँ, कम से कम 1/4 किलो लेना पड़ेगा। चिल्लर चिल्लर से ही तो लाखों बन जाते हैं। ऐसा होता तो सबसे ज्यादा भिखारी अमीर होता।
ये लो तुम्हारे छुट्टे पैसे। ए राजू तुझे समझा देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, समझे? गरीबों की श्रीदेवी। अरे सुनो, तुम आगे जाओ। सारा सामान पैक कर लिया है, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगी? तुमने चाचा को क्यों बताया तुम्हें फर्स्ट क्लास मिला है? मैंने खुद जाके बताया क्या उन्हें, वो रास्ते में मिल गए थे तो बता दिया। बड़ा आया बोलने वाला। मेरी तरफ देखकर तो बात करो। चलो जाओ। एक तो सॉरी भी नहीं बोला, ऊपर से यहाँ पर आके शिकायत भी कर रहे हो। सॉरी? मैं क्यों बोलूँ सॉरी? चलो जाओ तुम। ए सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सॉरी ना यार, सॉरी। जाने दो। तो बाकी सब ठीक? घर का सारा सामान पैक कर लिया है? कहाँ जा रही हो? नागपुर, हॉस्टल, मेडिकल में एडमिशन लिया है। फिर कब मिलोगी? दशहरे की छुट्टी में। अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट क्लास ही आना चाहिए। इस बार बताऊंगी नहीं। हिप्नोटिज्म मतलब किसी के मन और शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता। अच्छा, हम इसे कैसे करते हैं? कैसे? उस व्यक्ति को आपका सहयोग करना चाहिए। यस सर। ठीक है ना? तो अब मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शार्प और सहयोगी हो। देखता हूं आप में से शार्प कौन है। क्लोज योर आईज। अब जो व्यक्ति आपके नियंत्रण में हो, आप उनके बचपन या उनके भविष्य में वापस ले जा सकते हैं। उसमें छुपे हुए टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग। तुम्हारा नाम? सुरेश। अच्छा, अपना पसंदीदा गाना गाओ सुरेश। सुरेश, जो गाना तुम्हें पसंद है उसे गाकर सुनाओ। सुरेश, रोज 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 रोजा जाने मन, रोज 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 रोजा रोजा
रोजा जाने मन, रोज रोज रोजा रोजा जाने मन। क्लैप। सुनो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, क्या हुआ था? चल अब झूठ मत बोल, सच सच बता। तुम झूठ बोल सकते हो, पर मैं क्यों बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हें तो उस हिप्नोटिस्ट की बात माननी चाहिए थी ना, मेरा वाला गाना क्यों गाया? मैं तो उसकी बात सुन रहा था। तुम जलते हो कि उसने मुझे चुना। रोज 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 रोजा जाने मन। वाह सुरेश, बहुत अच्छा गाया तुमने। तुमने उसकी बात समझ ली? देखा ना, शार्प स्टूडेंट है। तुम लोगों को मैं बाद में देखता हूँ। जाओ उस तरफ चले जाओ। अरे बेवकूफ, हाय, ये क्या किया तूने? हाँ बताओ, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास? हाँ। मेरे पास ये बकरा है। तुम इसे कहाँ से लेकर आए? हाँ मैं तो जंगल से ले आया था, बेचारा कहीं भटक हाँ। रहा था, इसीलिए मैं इसे ले आया और सोचा कि इसे मैं पूजा में कालिका माता को अर्पण कर सकूं। हाँ अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम क्या करते? अरे वो सब छोड़ दीजिए, आप मुझे बस मदद कर दीजिए। तुम्हें ये बकरा चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। बेवकूफ कहीं के, तुमने बहुत बड़ी गलती की है इस बकरे को यहाँ पर लाकर। ये बकरा उसके झुंड से बिछड़ गया है। हाँ। तुम एक बकरे को उठा कर ले आए। हाँ। कुछ अशुभ हो जाए उससे पहले बकरे को वापस कर दे। ठीक है। उसकी जोड़ीदार बकरी उसका इंतजार कर रही है। ठीक है। उसकी शादी होने वाली है, ऐसा अच्छा। मुझे संकेत मिल रहा है। भैया, 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 वो मैं, भैया, बोलिए सोने दे। भैया, वो कंप्यूटर गेम खेलना है? नहीं भैया, मुझे सीखना है। भैया, भैया, भैया। अगर खेलना है तो सुबह आ जाना, 5 रुपए लाना, आधे घंटे खेल लेना। ठीक है भैया। हाँ बोल भैया। प्लीज भैया। कहाँ ना जा भैया, मैं सीखना चाहता हूँ भैया। ये बार बार सीखूंगा सीखूंगा ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ तुम्हें लगता है कि कंप्यूटर सीखना आसान है, यही लगता है ना? मेरे पास पहले एक फोटो स्टूडियो था,
अंजय और रमेश सीखने के लिए भीख मांगने आए थे। खत्म 15 दिनों में उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया और मेरा धंधा चौपट कर दिया। तुम भी वही करना चाहते हो? चले जाओ, बढ़ाया सीखने वाला। अंजय और रमेश आज तक नहीं जानते कि कैमरे में रील कैसे डाली जाती है, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। भैया, भैया, अरे क्या है यार, भैया 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 तब से किए जा रहा है। भैया मैं उस अंजी और रमेश की तरह बिल्कुल नहीं हूं, प्लीज भैया। जाओ सुबह आना। सुबह कितने बजे आऊं? अभी तक यही है? चप्पल चप्पल बाहर निकल। वायरस क्या होता है भैया? जैसे इंसान को बीमारी पकड़ती है ना, कंप्यूटर को वायरस पकड़ते हैं। सीखने से पहले मेरे 3 रूल्स हैं, अगर नहीं सुनने हो तो अभी के अभी जा सकते हो। नहीं भैया, मैं सुनूंगा। Rule number 1, नहाकर क्लास में आओ। चप्पल बाहर निकालना है, टाइम पर क्लास में आना है। Rule number 2, अंजी और रमेश की तरह अपना काम शुरू नहीं करोगे, पहले ही बता देता हूं। Rule number 3, बाद में बताऊंगा, अभी जाओ। रेडी? रेडी। तुम जो भी कहना चाहते हो यहां पर टाइप करना, देखना चाहते हो यहां देख सकते हो, तुम्हारा सारा सामान वहां है। नहीं समझे? सिंपल है। तुम जो भी कहना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो, तुम्हारा सारा सामान कंप्यूटर, ओशन, समंदर। सीखना इतना आसान नहीं है, मुझे भी काफी समय लगा था। बहुत सारी चीजें हैं, माउस,
मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, प्रिंटर, यहाँ पेपर प्रिंट होता है, ओह, नेट, इंटरनेट, मेल, तुम्हारी मेल आईडी है? सॉरी, मेल आईडी क्या होती है? जैसे लेटर्स होते हैं लोगों को मैसेज भेजने के लिए, बस वैसे ही मेल होते हैं। क्या तुम्हारे पास मेल आईडी है? अगर है तो किसी को भी मेल कर सकते हो और वो तुम्हें मेल कर सकता है। नहीं है तो बना दूं? पासवर्ड सीक्रेट होना चाहिए। टाइप करो कुछ, कोई नाम। भैया लंबा है। हो गया भैया, जैसा आप कह रहे हो मैं किसी को भी खत लिख सकता हूँ। क्या कोई मुझे लिख सकता है? बिल्कुल। थैंक्स भैया, आप बहुत ही। लिखो। तो कल कितने बजे? दोपहर 1 बजे। ठीक है भैया, कल मिलते हैं। थैंक यू। रूल नंबर 3, तुम दुनिया में किसी को भी लेटर लिख सकते हो और कोई भी तुम्हें लिख सकता है। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। किसी ने मेरे लिए भी खत लिखा होगा। तो आपकी एंट्रीज के समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपके एसेट्स कौन से हैं, आपके लॉसेस कौन से हैं और आपका प्रॉफिट कहाँ है। ये दोनों टेली होने चाहिए। मुझे पैसे चाहिए। कितने? 500 रुपए। इतने पैसे क्यों चाहिए? मुझे नोटबुक खरीदनी है और रिकॉर्ड बुक भी लेनी है। तेरी नोटबुक इतनी जल्दी खत्म हो जाती है? आप ही ने कहा था ना अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, वही तो कर रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन बाद ले लेना। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे बेकार की चीजों में अपना वक्त जाया मत कर, समझ गया ना? वक्त बहुत कीमती होता है। अरे यार तू ज्ञान मत बांटना, पैसे हैं या नहीं वो बता। नहीं तो पहले ही बता देता ना, वक्त क्यों बर्बाद किया। कितने चाहिए? 500 रुपए। वापस कब दोगे? 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। पिताजी से कहना कि मैंने याद किया है। ठीक है। वो भैया बाबूजी को मत बताना मैंने पैसे लिए हैं। 1 हफ्ते में दे दोगे ना? भैया इतने काफी हैं। सिर्फ 15 मिनट।
पैसा वापस करने में हर बार देरी करते हो, क्या ये सब? अगली बार तुम्हारी जमीन ले लूंगा, पता है ना कितने एहसान है मेरे तुम्हारे ऊपर। हाँ मुझे पता है, गुस्सा मत होइए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो सब नहीं सुनना है, अगले महीने का ब्याज समय पे चुका देना। रोजा एक मिनट बात करनी है। तुम आगे जाओ, मैं बस आई। हाँ बोलो। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कितने? 500 रुपए। नहीं है। प्लीज रोजा देखो ना, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा ना नहीं है, फिर भी क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यों नहीं पूछूंगा, हम फ्रेंड्स हैं ना। सच में वो राजू भी तो तुम्हारा फ्रेंड है, उससे नहीं पूछा? पूछा ना उससे, नहीं है उसके पास। मेरे पास भी नहीं है। रोजा रोजा, अरे मेरा पीछा मत करो, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, चलो जाओ। माँ मेरी पायल कहीं खो गई है। ऐसे कैसे खो गई, जरा ठीक से देखो। मैंने हर जगह देखा, नहीं मिली। हर बात की जल्दी होती है तुझे, हर जगह उछल कूद करती रहती हो, अब गिर गई ना। नहीं मत मांगना अब। पायल का मैं क्या करूं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो यही है। कोई बात नहीं, रख लो इसे। क्या? मैंने माँ से कहा कि पायल खो गई है और इस वजह से मैंने माँ की डांट भी खाई। तुम्हें अर्जेंट चाहिए थे ना, रख लो। रोजा थैंक्स। कोई बात नहीं। कल 12 बजे। दरवाजे पर आ गया तो जान से मार दूंगा।
ये सब क्या है? तुमने इस बच्चे को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा है? क्या बात है बताओ? मैंने गांव में बच्चों की मदद के लिए कंप्यूटर खरीदा, इसने उसमें वायरस डाल दिया। क्या करता मैं? वायरस डाला मतलब? जैसे ये कभी कभी बीमार पड़ता है ना, कंप्यूटर को वायरस पकड़ता है। तुम्हें कैसे पता वायरस आ गया है? ये कौन सा रंग है? ब्लू भैया। ये ब्लू है भैया। ये भी ब्लू है भैया। अब ये क्या है? चुप मत रहो, जवाब दो। लाल। लाल मतलब? डेंजर। चप्पल पहनकर आओगे तो वायरस आएगा, ये डेंजर है, ये कितनी बार कहा था मैंने? सॉरी भैया। सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पर। पता करना चाहिए, जरा पूछो। देखो अहमद ने तुम्हें कंप्यूटर दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना कि वो हायरस उससे बचाने का। अब किसी को बुलाओ और हायरस को भगाओ, वो हायरस को निकाल कर कंप्यूटर को ठीक करवाओ, समझ गए? आपकी शॉप कहाँ है? गांधी जी का पुतला पटा है, वहाँ से सीधे आना और किसी से भी पूछ लेना, बता देंगे। आप क्या क्या रिपेयर करते हो? सब कुछ करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बस 2 मिनट। ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? बाजार भाव से कभी बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी तो ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम का पता नहीं। टेंशन मत लो, अगली बार कम पैसे लूंगा। ए रवि, जाकर इसे छोड़ के आ। भैया वो जो भी सीख रहा है मुझे भी सिखाएंगे प्लीज भैया। ए जाना। भैया सिखा दीजिए ना। ए वो लड़की कौन है? दोस्त की बहन है भैया, पहले से कभी नहीं देखा। यहाँ पर त्योहार मनाने के लिए आई है। अच्छा, आओ। अहमद भैया कहाँ हैं?
सुनो, मुझे दो मिनट के लिए दो। चलो उठो। मैं बिजी हूं। अरे ये क्या कर रहे हो, बस कर्सर तो घुमा रहे हो। यही प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। मुझे बस दो मिनट के लिए दो ना। ए रवि तू कला। भैया बस दो मिनट के लिए। कहा ना कला ना। भैया देखो, इसे चतुर्भुज कहते हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में ये नोट कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सवाल एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो तुम लोग लिखना कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। रोजा एक मिनट रुक जा। मुझे जरा तुमसे बात करनी थी। तुम्हें जो भी बात करनी है यही करो। ये क्या है? बाद में पढ़ना। रोका क्यों? अरे तुम्हें पता है ना। क्या पता है? अरे अरे क्या तुम्हें पता है ना हम। रुको रुको, तुम क्या कहोगे मुझे पता है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है तो कोशिश भी मत करना। बॉयफ्रेंड? हाँ, पर रोज तो तुम मुझे ही देखती हो। तो क्या हुआ, बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? तुम देखते हो तो मैं भी देखती हूँ। तुमने तुम्हारी पायल दी थी वो? तुमने कहा अर्जेंट है इसलिए दी, किसी और के लिए भी यही करती। ऐसा कैसे? हाँ ऐसे ही, मेरी मर्जी। ठीक है जाओ, तुम्हारी पायल भी लौटा दूंगा। चल। जरा सुनो, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या कर रहे हो? चैन चढ़ा रहा हूं। इतनी देर से? अब फंस गई है तो क्या करूं? झूठा कहीं का। मुन्ना एक चाय देना। मुझे देखती है, मुस्कुराती भी है और फिर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। आखिर ये हो क्या रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मुझे ही ढूंढ निकालना पड़ेगा। और आखिर कौन है ये उसका बॉयफ्रेंड? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे रवि तुम दो दिन बिजी हो क्या? हाँ भैया मुझे पढ़ना है। अगले दो दिन? हाँ भैया मेरी एग्जाम है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। अच्छा ऐसा है, तो मैं सुरेश से पूछता हूँ। अरे रुकिए भैया, क्या हुआ? मैं दो दिन के लिए शहर जा रहा हूँ तो सोचा घर पर रहोगे। अगले दो दिन? हाँ क्यों, क्या हो गया? नहीं मैं रहूंगा। अरे नहीं तुम पढ़ाई करो ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं वहां पढ़ूंगा। अरे ठीक है ना। अरे ठीक है भैया। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। पक्का ठीक है? ठीक है भैया। ध्यान से। हाँ भैया।
क्या अहमद भैया सच कह रहे थे? मैं सच में अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। Congratulations, Mr. Ravi. मेल आईडी के दशहरा लकी ड्रॉ में आपकी मेल आईडी जीत चुकी है, तो इसलिए आपके मेल आईडी ने इस साल 2 करोड़ रुपए जीते हैं। 2 करोड़ का चेक भेजने के लिए अपना पता भेजिए। गलत पता भेजने पर आपका चेक रद्द कर दिया जाएगा और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। धन्यवाद। सुनना राजू, कुछ अर्जेंट काम है क्या? हाँ, लगता है तू मुझे जीने नहीं देगा। देख, कल ही मेरे बाप ने मुझे बहुत पीटा है। और अगर अब भी मैं बाहर आया तो मेरी खैर नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ। ठीक है, मैं ही वहाँ आता हूँ। रुक, घर मत आ, खेतों में मिलते हैं। हाँ ठीक है। लॉटरी? कैसी लॉटरी? वो अहमद भैया है ना, उन्होंने मेरे लिए मेल आईडी बनाई थी। मेल आईडी के लिए ना एक दशहरा लकी ड्रॉ था जिसमें मेरी भी आईडी थी, और मेरी वो मेल आईडी जीत गई है। मुझे कुछ समझा नहीं। अरे यार, मेल आईडी के लिए ना एक दशहरा का लकी ड्रॉ था, मेरी मेल आईडी ने लकी ड्रॉ जीत लिया है, मुझे लॉटरी लगी है। कितने हजार की? 2000? 2 करोड़। राजू, ए राजू, ए तू सच बोल रहा है ना? अरे मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा, जैसे ही मेल देखा वैसे ही सबसे पहले तुझसे मिलने चला आया। वो तू ही है, तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे कामों में देरी नहीं करते। कहाँ मिलेंगे पैसे? वो सबसे पहले हमें अपना एड्रेस भेजना पड़ेगा। तो तू क्या शुभ मुहूर्त देख रहा था क्या? ऐसे कामों में देरी नहीं करते यार। मैं रात भर सोया नहीं हूँ यार, सबसे पहले तुम्हें जो बताना था। ठीक है, चल चल जल्दी। अरे सुन, चाचा ने फिर से पीटा तो? वो मैं झेल लूंगा यार, तू चल। अरे चल पहले एड्रेस डालते। ए सुन, इसका प्रिंट ले लें क्या? वो कैसे करते? तू तो सब सीख गया यार।
रवि। अहमद भैया आ गए। ये ले। और कितनी देर? ये ले। इसका अरे रख देना कहीं पर। कहाँ रखूँ? इतनी देर क्यों लगा दिया? वो हम पढ़ रहे थे भैया। नमस्ते। आपका काम हो गया भैया? सिर में दर्द है, बाद में बात करते हैं। वैसे ये पैसे कब तक आएंगे बे? एड्रेस तो हमने भेज दिया है, देखते हैं। वैसे तो जल्दी आ जाने चाहिए। तो पार्टी तो बनती है। अरे पैसे नहीं है यार, कसम से नहीं है यार। मेरे पास है ना। अरे तुम्हारे पैसों से पार्टी? ये तेरा मेरा क्या है? अगर तूने ये आइंदा से बोला ना तो मैं अपनी नस काट लूंगा। सॉरी यार। फिर बोला यार, दोस्त कभी एक दूसरे को सॉरी बोलते है क्या? चल। अभी तक कहां था तू? सुनाई नहीं दिया? बहरा हो गया है क्या? क्या है? क्या है? दिन भर आवारा गर्दी करके आ रहा है और अब मुझसे जबान लड़ा रहा है। मैं दिन भर कहां था कहां नहीं था, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो तो बाबूजी से कोई ऐसे बात करता है? वो क्या कह रहे हैं मुझे वो नहीं सुना? निकम्मा कहा मुझे? शांत रहो, ज्यादा चिल्लाओ मत। अरे ये कहीं का कलेक्टर है क्या जो मैं इसे सर सर कहकर बुलाऊं? पढ़ाई में फेल हो गया वरना इसके नखरे आसमान में रहते। रुको, सिर्फ 4 दिन रुको, फिर बताता हूँ आपको। इसका खाना पीना बंद कर दो, ये किसी लायक है नहीं। एक पैसा तो कमा कर लाता नहीं, लेकिन रॉब देखो कैसे डाल रहा है साहबों के जैसे। सिर्फ 4 दिन। ये कपड़े क्यों भर रहा है तू? वो क्या कह रहे है सुना नहीं क्या? मैं एक पैसे के लायक नहीं हूँ। अब तो 4 दिन बाद ही बताऊंगा आपको। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। रुको बेटा, मैं क्यों रोक रही हूँ इसे? जाने दो जहाँ जाना है, भूख लगेगी तो आ जाएगा। तुम अंदर जाओ। वापस कभी नहीं आऊंगा। आना भी मत वरना पैर तोड़ दूंगा। तो गाड़ी ने क्या था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ सोने के लिए। क्या यार, कोई हम पर भरोसा नहीं करता, ना ही कोई हमें समझ के लेता है, कोई भी नहीं। अहमद भैया है ना, वो भरोसा करते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पे रहने दिया। सही कहा तूने। अगर मैं मना करता ना तो वो सुरेश को कहने वाले थे। अच्छा, उसे कंप्यूटर आता है क्या? अरे कुछ नहीं आता उसे, सिर्फ जलता है मुझसे। जब मैं रोजा से बात कर रहा था ना तो वो दूर से ही हम पर नजर रख रहा था, पता है? ये बता, तू उस छिपकली से क्या बात कर रहा था? ये यार, तू रोजा को छिपकली मत बोला। ठीक है, पर बात क्या कर रहे थे? नहीं कुछ खास नहीं। अरे अरे छोड़ना यार। दुखी आत्मा क्यों बन रहा है? उसका एक बॉयफ्रेंड है। मेरी तरफ देखती थी, मुस्कुराती थी। पता नहीं यार ये बॉयफ्रेंड कहां से टपक गया। तू उसे भूल जा यार, एक बार हमारे पास पैसे आने दे, फिर पूरी दुनिया को दिखा देंगे हम क्या है। और फिर
कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप एक हफ्ते में 2 करोड़ के विजेता बन रहे हैं। हमारी संस्था आपको धन्यवाद देती है। 2 दिनों के भीतर अगर आप हमारे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डिपॉजिट कर देंगे तो आपको 7 दिनों के भीतर 2 करोड़ का चेक प्राप्त हो जाएगा। यदि आप देरी करेंगे तो चेक रद्द हो जाएगा। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रवि। बात तो सही है यार, पर 1 लाख लाएंगे कहां से? अरे तू भी ना कंजूसगिरी मत कर, तुझे 1 लाख की पड़ी, अपने पास तो 2 करोड़ का चेक आने वाला है। हट। वो सब तो ठीक है, लेकिन 1 लाख हम लाएंगे कहां से यार? तेरे लिए 1 लाख क्या बड़ी बात है? अरे अहमद भैया के लिए एक शराब की बोतल नहीं खरीद पा रहा हूँ, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया। मेरा एक बचपन का दोस्त है शहर में, वो हमारी मदद पक्का करेगा। कौन है वो? क्या हुआ बे? अरे वो तेरे पास कुछ पैसे होंगे? पैसे अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ। जरा धक्का तो लगा। तू भी लगा ना, यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। सुन यार, हम रुकें या जाएं? अच्छा सुन, शिव भैया से मदद मांगते? शिव भैया? बाबूजी तो मार ही डालेंगे मुझे। बिल्कुल नहीं। तेरे बाप को नहीं पता चलेगा बे, और वैसे भी पैसे आने के बाद शिव भैया को दे देंगे, इतना क्यों टेंशन लेता है बे? हाँ लेकिन देख, तू समझ रहा नहीं है, तेरे पास पैसे आ गए ना तो तेरा बाप तुझे राजा की तरह रखेगा। ए चल उनसे मैं ही बात करता हूँ। ए अंदर रख दो। क्या रवि, क्या काम था? भैया कुछ। अरे तुम राघव के बेटे हो ना? हाँ भैया। क्या करते हो? बीकॉम पढ़ रहा हूँ। तू तो फेल हो गया था ना? वो सप्लीमेंट्री पास हो गया था। क्या बात है बोलो। अरे बोलो। भैया हमें कुछ पैसों की जरूरत है। कितने? 100 या 200? 1 लाख भैया। 1 लाख? इतने पैसों का क्या करोगे? कॉलेज की फीस के लिए। हाँ भैया कॉलेज फीस के लिए। कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है? घर पे पता है कि यहाँ हो? घर जाओ। भैया भैया प्लीज प्लीज 1 हफ्ते में वापस कर देंगे। और अगर नहीं दिया तो? और अगर 1 हफ्ते में वापस नहीं किया तो मैं सीधे तुम्हारे बाप के पास जाऊंगा, चलेगा ना? चलेगा भैया। क्या कहते हो रवि? ठीक है भैया। सिर्फ 10 दिन? हाँ भैया।
हे, चलो चलते हैं। रवि, मुझे तुमसे बात करनी है। जो बोलना है यही बोलो। ये क्या है? पढ़ने कहा था, पढ़ा नहीं तुमने? पढ़ा, पर ये है क्या? मेल है। मतलब? वो वही इमली है जो श्रीनो अंकल के दुकान पर मिलती है, वही है। ए राजू, ज्यादा बोल मत, समझे ना, मेरे बाबा तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जाकर पूछो उससे, वही बताएगा। ए चल। सुनो रवि, तुम अच्छे लड़के हो और इसके साथ रहोगे ना तो तुम भी आवारा बन जाओगे। मुझे आवारा बोलती है तेरी हिम्मत कैसे? तुम जो चाहे करो, मुझे मेरी पायल दे दो। क्या तुझे उसे देखकर कभी ऐसा लगा है कि वो अच्छे से बात कर सकती है? जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है। लेकिन उसने मुझे अच्छा लड़का कहा। ठीक है, तुझे पता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, यहां तक कि उसने मुझे थप्पड़ तक मारा और उसने तेरी तारीफ की और तू उसका हो गया। नहीं यार, तू चुप बैठ। लेकिन अब अगर तू उसके पीछे गया ना तो तेरी मदद मैं नहीं करने वाला, देख लेना तू। अरे राजू, अरे बहन, तुम बहुत देर से आ रही हो। मैं घर से जल्दी ही निकली थी, लेकिन रास्ते में मल्ली के घर जाना पड़ा। उसकी बेटी ने हॉस्टल में जहर पी लिया था, उसे एम्बुलेंस से घर पर लेकर आए हैं। अच्छा, अभी वो कैसी है? अभी ठीक है। ये क्या हुआ? ये सब क्या है? कॉलेज ने एडमिशन कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया? पर क्यों? हमने फीस नहीं भरी। तो फीस क्यों नहीं भरी तुमने? तुम्हारी फसल तो इतनी अच्छी हुई थी। तुम्हारी बात तो सही है, शिव भैया को ब्याज देना पड़ा। बाबा ने एक साल की मोहलत मांगी पर वो नहीं माने। ये सब जब बाबा ने फोन करके बताया तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो क्या करोगी, खुद की जान लोगी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जरा उसे देखो, फेल हो गया है वो। खुद की जान ली उसने, बैठा है ना यहाँ पे। ए, उसे समझना है तो वो समझ जाएगी, तू मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? अरे तू बात को समझ यार, फीस नहीं दे सकते इसलिए कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है क्या? मुझे पता है, तू उसे समझा। तुम जानते हो ना मैं कितना पढ़ाई करती हूँ, एक और साल मतलब। तुम्हें पढ़ना पसंद है ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम मर गई तो पढ़ाई कौन करेगा? ये बताओ फीस कितनी है? 20,000 रुपए। एक हफ्ता रुको, कुछ करता हूँ। तुम कहाँ से लाओगे? तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? एक हफ्ते में पैसों का इंतजाम करूंगा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ गई ना? और दोबारा ऐसी पागलपन वाली हरकत बिल्कुल मत करना। सात आठ दिन में पैसे आएंगे, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, कुछ ज्यादा समय नहीं है ये। जानता हूँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर पैसों का मामला है ना, उसमें तो वक्त लगेगा ही। पर जैसे ही पैसे आते हैं ना,
इस साइकिल को साइड में रखते हैं और एक बाइक ले लेते हैं। कौन सी बाइक? लूना ना? चल, वो बंगार बाइक है। जैसे ही हम आएंगे ना तो डग 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 आवाज आनी चाहिए। मतलब ट्रैक्टर? बुलेट रे। पहले कंप्यूटर, बाकी सब बाद में। ए रवि, इधर आ। तुमने 10 दिन कहा था, और कितना टाइम चाहिए? बस 4 दिन और भैया। लेकिन तुमने तो 10 दिन कहा था, 10 दिन तो हो गए। मैं पैसे दे दूंगा, बस 4 दिन और। मेरी बात सुन, तूने 10 दिन कहा था, नहीं तो तेरे बाप से मिलूंगा कहा था ना। क्या कहता है, चले क्या तेरे बाप के पास? भैया प्लीज भैया, 4 दिन और, सिर्फ 4 दिन और भैया। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल। भैया आप रुके, कहाँ जाना है? हाँ हाँ, उसने कहा ना वो 4 दिन में आपको पैसे दे देगा, भरोसा नहीं है क्या? आप तो हमारे सर पर ही बैठ गए ठेकेदार की तरह। कितने पैसे लिए आपके? 1 लाख ही लिए है ना? आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे हमने 2 करोड़ लिए। कहीं भाग के जाने वाले क्या हम लोग? समझता नहीं। तुमसे बात कर रहा था क्या? चल तेरे बाप के पास। भैया प्लीज भैया, 4 दिनों की मोहलत दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। सब बता दे। कर यार, क्या बोल रहा है? बता दे। क्या बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ ना तुझे। कर यार, मैं बोलता हूँ। हट। इसने एक लॉटरी जीती है, तुम्हारे पैसे जल्दी ही दे देंगे, तब तक अपना मुंह बंद रखना और ऐसे रास्ते पे तमाशा मत करो, समझे? लॉटरी कितने की? 1000? करोड़। तू सच कह रहा है ना? आपकी कसम भैया। अपनी कसम खाना? मेरी कसम भैया, आप ये पढ़ लीजिए। भैया इन्हें तो सच में लॉटरी लग गई है। पैसे कब मिलेंगे? बस कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे भैया। चल जा। कुछ जरूरत हो तो बता देना। पढ़कर बता। क्या लिखा है? ये बैंक से आया है, लोन का नोटिस है। ठीक है, अंदर ले जाकर रख दे। शिव भैया से बात करके भी 2 दिन हो गए यार। तू हर चीज का हिसाब मत रख। हमने कितने पैसे भेजे? 1 लाख,
और वापस कितने लेने? 2 करोड़। उन्हें कम से कम 1 महीना तो लगेगा। सही कहा ना? देख, हमें टेंशन तो हो रहा है, पर उनकी भी कुछ प्रोसेस होगी। लगता है उन्हें एड्रेस कंफर्म करना होगा। टाइम लगता है यार। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, पर पैसे जल्दी आ जाने चाहिए। बस थोड़ा टाइम यार। वैसे तूने मुझे पता कि बहुत सही किया। चलो उठो। भैया ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मत कहो, चलो जाओ। भैया क्या हुआ है वो तो बताइए। मैंने तुम दोनों की कितनी मदद की हा? और तुम दोनों बातें कर रहे थे, मुझे पता है। हाँ या ना? मैंने कहा ना, जाओ। भैया इसे पैसे मिलने वाले। अरे राजू, किससे? इससे क्या फर्क पड़ता है? कितने? मुझे तुम शुरू से ही पसंद है, कसम से। तुम उस लड़के को जानते हो? कौन भैया? अरे वो सुरेश। मुझे लगता है कि वो बड़ा चालाक लड़का है। वो कमीना भी उतना ही है। सही पकड़ा आपने। बहुत पागल है। हाल ही में करीब 20 पेपर गायब हो गए हैं, पर मैं कुछ बता नहीं सकता। कहां से मिले? बता भी दे। सीक्रेट है भैया। ठीक है भैया। ठीक है, मत बताओ। भैया आप नाराज मत होइए। भैया नाराज नहीं हूं, मुझे तो बस जानना था। लगा कि तुम बताओगे, लेकिन ये तो सीक्रेट है। मैं बताता हूँ, पर आप किसी को कुछ नहीं कहोगे। भला मैं क्यों कहूंगा? आप? हाँ मैं। आप किसी से कुछ नहीं कहोगे ना? अरे कसम खाता हूँ। हाँ? अरे अच्छा सुनिए, आपने वो मेरी मेल आईडी बनाई है, याद है ना? तो एक लकी ड्रॉ है जिसमें सारी मेल आईडीज शामिल थी, और उन सारी मेल आईडीज में मेरी वाली को लॉटरी लगी है। ए? लगता है उन्हें कुछ समझा नहीं। फिर से बता। अरे भैया एक लकी ड्रॉ था जिसमें बहुत सारी मेल आईडीज शामिल थी, और इतनी सारी मेल आईडीज में से मेरी मेल आईडी को लॉटरी लगी है। ए, लगता है अभी भी बात इसके समझ नहीं आई। रवि तुम 2 दिन बिजी हो क्या?
उठो उठो उठ 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 भैया क्या हुआ भैया उठ कहा ना उठ क्यों उठा रहे हो भैया क्या हुआ कहा ना उठो क्या हुआ उठ अरे उठो भैया और एक बियर मिलेगी उठो अपनी लाइफ में कभी भी किसी के लिए इतनी शराब नहीं खरीदी तुम दोनों को चार चार बियर पिलाई है ऊपर से और बियर चाहिए बेशरम कहीं के बेवकूफ लोग ये क्या भैया आपको भी लॉटरी लग गई है फेक है ये फेक दिखता नहीं है तुम तो होशियार हो ना सेलिब्रेट करने के लिए बियर मंगाई थी हाँ देखो लुट गया था मैं और तुम मेरे पीछे भैया हाँ बोलना बोल हाँ बोलना इसका मतलब ये फेक है असली नहीं अबे जो असली नहीं होता उसे फेक ही कहते हैं बेवकूफ यहाँ वापस पैर नहीं रखूंगा रखना भी मत वरना पैर तोड़ दूंगा अगर नहीं दिया ना तो तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा कितने पैसे दिए 1 लाख ही ना आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे हमने 2 करोड़ लिए कहीं भाग के जाने वाले क्या हम लोग समझता नहीं अबे कमीने अच्छा खासा घर पे बैठा था मैं तूने मुझे कॉल करके मेरे पूरे ग्रहों की दिशा बदल दी तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्यों मुझे कॉल किया छोड़ना यार क्यों राजू तू भूल गया क्या तूने ही कहा था ना कि ए उठो अपने घर के सामने लड़ो अकल नाम की चीज नहीं है सुन यार तू जा अपने घर चला जा अरे मोटर चालू कर अरे रवि तुझे सुनाई नहीं देता क्या मोटर चालू करने के लिए कहा था ना
ज्यादा सोच मत। कर्ज चुकाने के बाद कुछ पैसे बच सकते हैं, जाकर कुछ खा ले। रवि अपने आप को समझता क्या है? ये सब उसे मजाक लगता है क्या? हाँ। जाके उसको बोल कि मुझे मिलना है। हाँ, ठीक है। तो सीधा उसके बाप के पास जाऊंगा। हाँ। बोल देना, समझा ना? देखो, जब दो रसायन आपस में मिलते हैं तब ये क्रिया होती है, और इस क्रिया को इस्तेमाल करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सब लोग नोट कर लो। रवि, रवि तुम्हें कुछ कहना है? पर मुझे कहना है। देखो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं और ना कभी था। अब तुम्हारी बारी है, तुम बोलो। ए रवि, जरा यहाँ आ तो। बस एक मिनट। हाँ, सुन, मैं शिव भैया को सब सच बता देता हूँ। और तुझे लगता है कि वो सब समझ जाएगा? पता नहीं यार, आज नहीं तो कल उसे बताना तो पड़ेगा ही ना। याद है ना, मेरे कान लाल किए थे उसने। वो आसानी से नहीं छोड़ेगा हमें। अब मैं उसे और नहीं टाल सकता। किसी दिन उसे सच का पता चल ही जाएगा। एक ही गांव में रहते हैं। आज नहीं तो कल मुलाकात तो होगी। अच्छा यही है कि बाबूजी से पहले शिव भैया को पता चल जाए। तू एक बार फिर सोच ले, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं सब बता दूंगा। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। हे, जहाँ तू रहेगा वहां मैं रहूंगा। मैं तुझे अकेले वहां नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तूने उसे बताने का सोच ही लिया तो एक दिन और रुकते हैं। एक दिन में ऐसा क्या होने वाला है यार? मुझे बता, तेरे पास पैसे कितने? इतना सब होने के बाद तुम्हें पैसों की पड़ी है? कितने हैं वो बता। किस लिए? चल मेरे दोस्त के पास जाते हैं। अरे पर वो कुछ मत बोल, सिर्फ मेरे साथ चल। आ गया। ये मेरा दोस्त है रवि। हाँ, जानता हूँ उसे। तो बता क्या हुआ? तुम अहमद भैया को तो जानते ही हो ना? वो फोटो स्टूडियो वाला? हाँ।
उन्होंने नया कंप्यूटर खरीदा है। हाँ, पता है कि नया कैमरा लिया है। नहीं नहीं, वो कंप्यूटर ही है। तो उन्होंने रवि का नया मेल आईडी बनाया था और उसने लॉटरी जीत ली। कितनी? 2 करोड़ की। पर बात ये नहीं है, वो फेक लॉटरी थी और उसके लिए हमने शिव भैया से 1 लाख रुपए लिए थे और अब वही पैसे हमें उन्हें वापस देने हैं। ग्लास बार फिर बात करते हैं। अब क्या, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ सही कहा। वो लॉटरी के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा कि ये फेक लॉटरी है और हमने जो शिव भैया से पैसे लिए थे वो उन्हें वापस लौटाने। वो मैं समझ गया, वो लॉटरी के पैसे कब मिलेंगे ये बता। यही तो मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ, पर तुम हो कि शराब पे शराब पीते जा रहे हो। कौन शराब पी रहा है हा? और तू चिल्ला क्यों रहा है? मुझे ठीक से बता कि लॉटरी के पैसे कब तक आएंगे। बस मुझे अभी उसका फोन आया था, बस वो लास्ट बस से आ रहा है। ए, क्या हो गया? हाँ? लास्ट बस। कौन है माँ? ए, ए, देखो वो बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे चलो 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 चलो। अरे पकड़ो। अरे देखो कौन है? अरे 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 अर
अरे देखो उधर ही होगा। वो रहा पकड़ो। ए ए रुक जा। एक चल रहा भाई। ए अब तो रहा है। ए अरे ए जाएगा कहाँ? रुक रुक जा। वो रहा। अरे पकड़ो उसे। आ गया वो। अरे यार निकल गया हाथ से। देखो यहीं कहीं आसपास होगा। हाँ वहाँ देखो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे झाड़ियों में छुपा होगा कहीं। देखो वहाँ पर देखो लगता है कमीना भाग गया। मुझे नहीं लगता गया होगा दूर। चोर कहीं का है? ऐसे कैसे कोई चोरी कर सकता है? आ जाओ। अरे यहाँ से चलते हैं। चलते हैं। क्या है शिव भैया? आप घर पर हैं? वो कल रात से ही नहीं आया है। अगर वो आए तो उनसे कहिएगा कि रवि आया था। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ कि वो घर पर नहीं था। तू भी ना सुनता नहीं। राजू अब तू ही बता मैं क्या करूं। तू जो कहेगा मैं करूंगा। नहीं बता सकता ना तो मुझ पर मत चिल्लाना। एक तो पहले से ही मैं इतने टेंशन में हूं और ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। अरे शिव भैया। शिव भैया कहाँ है? अभी अंदर की तरफ गए। भैया भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है भैया। आपको तो पता ही है हम एक ही गांव में रहते हैं। आज नहीं तो कल हमारी एक दूसरे से मुलाकात तो होगी। हम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें पर हमें रहना तो यही है ना। मैंने बहुत सोचा शिव भैया। मैंने जो भी किया वो माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन कल रात मैं कुछ भी हो कल रात की बात मत कर। भैया ये बहुत बड़ी रकम है मुझसे गलती तो हुई है ना। मुझे पता है मैं समझ गया। नहीं भैया मेरी बात सुनिए कल रात कल रात की बात मत कर बाबा। मेरी बात सुनोगे? सुनोगे ना? सुनोगे ना? एक शब्द भी नहीं। एक काम करो ये पैसा भी रख लो। भैया आप ये क्या कर रहे हो? आपका कर उसके बारे में भूल जाओ। तुम ये पैसे रख लो। तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। पर भैया इन पैसों का मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि ये बहुत कम है। मैं अभी कह रहा हूँ ना इसे रख लो। जमीन के कागज भी वापस कर दूंगा। बस कुछ कहना मत। एक शब्द भी नहीं। मेरी बात सुनिए भैया। एक शब्द भी भैया।
कुछ भी मत कहना, मेरी बात तो सुनिए। एक शब्द भी नहीं, हा? कुछ नहीं, हा? कुछ नहीं। अरे पर अब इसका क्या करें? कल सुबह फिल्म देखने जाते हैं क्या? कौन सी फिल्म? कोई भी देख लेते। तो तुम मुझे लेने आओगे या मैं आऊं? मैं आता हूं। सुना है रवि ने कोई लॉटरी जीत लिया? हाँ मैंने भी सुना। तुम्हें क्या लगता है शिव भैया इतने क्यों बदल गए होंगे? उन्होंने जमीन के कागज भी दे दिए। वो सब तो ठीक है, पर कल रात क्या हुआ होगा? याद रहे तुम्हें फर्स्ट क्लास ही लाना है, ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना मैं एक अच्छा इंसान हूं, और ये भी पता है कि मेरा गुस्सा कैसा है, इसलिए अच्छा होगा कि मुझे सच सच बता दो। अरे नहीं, एक मिनट नहीं हुआ है, एक मिनट रुको अभी आता हूँ कहकर गए थे। अरे उस दिन मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तुम अभी जा सकते हो, इतना ही है तो जाओ राजू से शादी कर लो। अरे मेरी बात तो सुन लो रोजा। रोजा रोजा